सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQOO Neo 6 के बारे में, जो कि अभी नया नया लॉन्च हुआ है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। एंड इसकी मैं सच्चाई बताऊंगा तुमको कि लाइक जो जोनाथन वगैरह इसको प्रमोट कर रहे हैं इतना, तो गाइस इस वजह से कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड आ चुका है IQOO Neo 6 का, क्योंकि जोनाथन वगैरह और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका प्रमोशन कर रहे हैं। गाइस इसकी कंपनी बोल रही है, यानी कि IQOO की कंपनी बोल रही है कि इसमें 90 FPS भी आ जाएगा जल्दी, तो वो तो देखते हैं टाइम के हिसाब से कि आता है कि नहीं आता है। बाकी वीडियो को ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। तो गाइस करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस तुमने देख ही लिया होगा अभी तक जोनाथन वगैरह कितना प्रमोशन कर रहे हैं इस फोन का, IQOO Neo 6 का। एंड गाइस ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में आ चुका है अभी, क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। एंड तुम्हें पता ही होगा जोनाथन की वॉचिंग इतनी ज़्यादा आती है एंड उसके फॉलोअर्स इतने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका ट्रेंड में जाना तो बनता ही है। और गाइस देखा जाए तो गेमिंग के लिए ये एक अच्छा डिवाइस है, लेकिन ऐसे बोलते हैं इसको कि ये बीस्ट डिवाइस है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये बिल्कुल बीस्ट डिवाइस नहीं है कि कहीं इसमें बिल्कुल भी लैग ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लैग होगा एंड मैं इस वीडियो में वही सब बताऊंगा, तो आगे जरूर से देखना वीडियो एंड तक। एंड गाइस जो जोनाथन वगैरह की ऑडियंस रहती है, उन लोग को इतना पता नहीं रहता बिल्कुल फोन का कि हाँ भाई ये फोन अच्छा है कि ये फोन अच्छा है, ये फोन लेना चाहिए या फिर ये फोन लेना चाहिए, तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहली चीज तो ये, अगर तुम जोनाथन की लाइव स्ट्रीम देखते हो तो तुमने ये चीज जरूर से नोटिस की होगी, जोनाथन अपने लाइव स्ट्रीम के स्टार्टिंग में इसका प्रमोशन जरूर से करता है हर बार। एंड मैं आपको वो क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी वीडियो वगैरह पे खतरा होगा उससे, इसलिए तुम देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके भी। बट गाइस इसका प्रमोशन वो क्यों कर रहे हैं, तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनको बहुत ज़्यादा मोटा पैसा मिलता है, यानी कि बहुत पैसे मिलते हैं उनको इसका प्रमोशन करने के लिए। एंड गाइस अगर तुम खुद ध्यान से देखोगे तो जोनाथन को खुद इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह नहीं पता रहती, जोनाथन खुद अपने एक पेज पे स्पेसिफिकेशंस लिखा रहता है इस फोन की, यानी कि IQOO Neo 6 की। एंड गाइस बस उसको पैसा मिला है इसका प्रमोशन करने के लिए, तो इतना बिल्कुल अंधभक्तों की तरह तुम उस पर विश्वास मत कर लेना। और गाइस कहीं आप ये सोचो कि यार जोनाथन ने बोला है कि ये फोन तो बिल्कुल बीस्ट है, जोनाथन भी इस पे खेलता है तो हमको भी ये फोन बाय करना चाहिए, हम भी जोनाथन जैसा खेलेंगे, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। जोनाथन खुद आईफोन में खेलता है, ये Neo PO 6 में नहीं खेलता वो, तो गाइस इसलिए अंधभक्तों की तरह विश्वास करके मत चले जाना इसको बाय करने। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड कैसा रहेगा ये फोन अगर तुम बाय करना चाहते हो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो गाइस इसमें तुमको देखने मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर, और ये एक 5G प्रोसेसर है, तो काफी अच्छी बात है कि 5G प्रोसेसर है और काफी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है। एंड गाइस अगर तुम ये फोन खरीदते हो, यानी कि IQOO Neo 6 तुम अभी खरीदते हो, तो तुमको 60 FPS की गेमिंग देखने मिलेगी इसमें, यानी कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने मिलेगा तुमको। बट गाइस IQOO कंपनी बोल रही है कि इसमें तुमको जल्द ही एक दो अपडेट्स के बाद 90 FPS देखने मिल जाएगा, और फिर तुम इसमें 90 FPS की गेमिंग कर पाओगे, तो देखते हैं कि ये ऐसा होता है या फिर नहीं होता। बाकी चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि आने वाला है इसमें 90 FPS, तो अगर तुमको 90 FPS के लिए कोई एंड्रॉयड डिवाइस लेना हो तो तुम इसकी तरफ जा सकते हो। इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, तो तुमको एक गेमिंग तो करा के दे देगा अच्छी वाली बिल्कुल। एंड गाइस अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें तुमको 4700 mAh की बैटरी देखने मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी देर तक चल जाएगी। एंड गाइस इस पे मैंने बहुत रिसर्च करे, बहुत वीडियोस देखी, अगर तुम रिकॉर्डिंग करते हो या फिर रिकॉर्ड करते हो अपना गेम प्ले जो भी करते हो, तो तुम इसमें आराम से 100% से लेके 0% तक ही तुमको 4 घंटे की गेमिंग करा देगा रिकॉर्डिंग के साथ, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइस इसमें तुमको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, और इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसके भी रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं कि इसका स्क्रीन वगैरह एकदम बिल्कुल मक्खन काम करता है। तो गाइस जब हम नया एंड्रॉयड डिवाइस लेते हैं तो सारे ही एंड्रॉयड डिवाइस ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल अच्छा, लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वो अपनी औकात दिखाते जाते हैं। तो गाइस ये तो बोलना सही नहीं होगा कि ये बिल्कुल iOS के टक्कर का है, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को कि ये iOS के टक्कर का है, iOS से अच्छा है, iPhone से अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गाइस तुमको एंड्रॉयड लेना है और 90 FPS तुम खेलना चाहते हो 30,000 के अंदर, तो ये तुमको 30,000 में देखने मिल जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है, तो तुम ले सकते हो ये डिवाइस को। एंड गाइस किसी को कोई हेट वगैरह नहीं है, जोनाथन वगैरह को कोई मैं हेट नहीं करता, बस आप लोगों को बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे को, तो वो मैंने दे दी। एंड यही था गाइस आज की हमारी इस वाले वीडियो में। एंड गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, एंड वीडियो अच्छी ना लगी हो तो तुम डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। In my shoes, a million views, still set no excuse. They run when they hear that the ting goes bang. Scoo-doo-doo-doo-doo-doo-bang. Do my ones, I'll do with gang. Jump out cars or jump out bands. They run.